अहमद आप आ गए, कैसा रहा आपका इटली का ट्रिप? आए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, इटली का ट्रिप बहुत जबरदस्त रहा यार, थक गया हूं मैं। तो क्या क्या किया इटली के अंदर, किस किस को मिले वहां पे? पहले मैं वेटिकन गया, वहां जाके मैंने पोप फ्रांसिस से मैंने मिला, उनके साथ चाय शाय पी। उसके बाद मैं टावर ऑफ पीसा गया, उसको मैंने देखा कि वो ढिंगा क्यों है। उसके बाद बाहर मुझे जॉर्ज क्लूनी मिला, जॉर्ज क्लूनी के सामने गपशप मारी, चाय शाय पी, खाना शाना खाया, और उसके बाद ना मतलब मैं क्या बताऊँ, पॉप स्टार आर्टिस्ट मिला मुझे, जिसका नाम मुझे लिखना पड़ा क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। उसका नाम था टिटानो फेरो, बचपन में उसके गाने मैंने एक दो सुने हुए हैं। फ्रांसिस्को टूटी मिला, उसके साथ थोड़ी सी मैंने सॉकर खेली। उसके बाद मुझे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला। कोर्टनी ने कहा कि कितने दिनों के लिए आए हो, मैंने कहा हफ्ते के लिए आया हूँ। उसने कहा हफ्ते के लिए हाल इटली आए हो, ये बात सही नहीं है, एटलीस्ट दो तीन हफ्ते के लिए आना था, तो मैं सारा मैं रोम वगैरह इटली दिखाता, वेनिस देखते हम लोग। लेकिन मैंने कहा मैंने वापस जाना है क्योंकि यहाँ तुम लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे। मैंने कहा कि अब हम कह रहा चाहिए मुझे आना चाहिए। बाकी सब बातें छोड़े, मेरे लिए वहाँ से क्या लेके आए हैं? मैं तेरे लिए वहाँ से अपने आप लेके आया हूँ और तेरे लिए दो रेसिपीज लेके आया हूँ मैं। Welcome back, guys. So I'm going to share with you two Italian spaghetti recipes आपके साथ, ठीक है? पहली वाली जो है वो बहुत स्पेशल है, इसे कहते हैं बुकतीनी, क्योंकि ये नॉर्मल स्पेगेटी की तरह नहीं है। अगर आप गौर से देखें, there's a hole that goes right through, देखें सर आप। So काफी फ्लेवर जो है उसके अंदर केचप होते हैं, काफी चुई होती है ये, बड़े मजे की होगी। सो मैंने पानी रख दिया बॉयल करने के लिए, उसके अंदर सॉल्ट भी डाल दिया और थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल के अंदर डाला है। पास्ता को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसको ऐसे कोने में रख देंगे, जैसे जैसे नीचे वाला पोर्शन सॉफ्ट होएगा वो खुद ही पोर्शन होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर आप देखें नीचे से सॉफ्ट हो गई है तो मैं हल्का सा पुश डाउन किया है, आपको बिल्कुल तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस कैटी को। दूसरी तरफ मैंने गरम करने लगा हूँ ऑलिव ऑयल। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, वो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स आपके घर में होंगे। तेल को गर्म करने लगे थोड़ी देर। अच्छा, और इसके अंदर हमें डालना है चिली फ्लेक्स, आपने कितना स्पाइसी करना है आपकी मर्जी। अच्छा, उसके अंदर मैं डालने लगा हूँ 3 cloves गार्लिक, उसके अंदर मैं फेंकने लगा हूँ मशरूम्स, हल्का सा इनको सॉटे करना है। ये गाइस फ्रेश लेमन जूस और उसकी हल्की सी स्किन। अच्छा, इसके अंदर अभी डालूंगा मैं हल्का सा नमक, हल्की सी काली मिर्च और इसके अंदर अब हम डाल देंगे हैवी क्रीम। अब आप देखें जो गार्लिक है वो भी काफी अब सॉफ्ट होना शुरू हो गए। ओके, अच्छा गाइस, इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ पास्ता हो गया रेडी। सो आप कह रहे होंगे ये मैं पानी क्यों नहीं फेंक रहा, स्ट्रेनर में क्यों नहीं डाल रहा, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। मसला ये है कि मैंने आपको दो रेसिपीज दिखानी है, मैं बार बार गर्म नहीं कर रहा पानी। ऑलराइट गाइस, ये हो गई डन, 30 seconds लगे हैं आपने पास्ता को डालने, तो प्लेट करते हैं। Put some mushrooms on the top. और इसके ऊपर डालने लगा मैं पार्मेसान चीज, look at that. और हल्का सा पार्सले, ये पीस नहीं चला गया मैं तगा रहा था। Alright guys, दूसरी वाली जो है उसमें मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ फेटुचीनी। ये पास्ता जो मैं ले गया हूँ ये सिर्फ दो चीज़ों से बना है, वो है एग योर्क्स और सेमोलिना, जिसे हम लोग कहते हैं सूजी, सूजी कहते हैं। ये गया पानी के अंदर, पानी के अंदर ऑलरेडी मैंने डाला हुआ नमक और हल्का सा ऑलिव ऑयल, गार्लिक और जैसे थोड़े से सॉटे होते हैं उसके हम डाल देंगे चेरी टोमेटोज। अगर आपके पास चेरी टोमेटोज नहीं है
आप दूसरे टोमेटोज इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ काट के जो है ना 6 टोमेटोज। गाइस ये मैंने लिए हैं होल टोमेटोज, ठीक है, इसके अंदर कोई एडिटिव नहीं होता, सिर्फ होल टोमेटोज हैं जो क्रश होते हैं। इसकी बनाएंगे हम लोग सॉस। अच्छा, इसको मैं डाल रहा हूँ ओरिगैनो। ओरिगैनो नहीं है आपके पास, बेशक आप इसे स्किप कर लें। और उसके बाद पेपर और सॉस। गाइस पास्ता भी तैयार हो गया, वो देख रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ। और सॉस मैक्सिमम 3 मिनट लिए है सॉस में कुक होने में। अब आपकी मर्जी है, चिली फ्लेक्स डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। गाइस पास्ता है तैयार, उसके ऊपर मैं डालने लगा हूँ पार्मेसान चीज। हमारे घर में सिर्फ फ्रेश पड़ी है, अगर बेजल हो तो आप वो भी ऊपर आ सकते हैं, बेजल से बहुत मजा आएगा। एंड दैट इज इट, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह अगली दफा नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। और आपको दूसरे जब मुल्कों के जब मेरे ट्रिप्स होंगे तो मैं उन मुल्कों के आपको मैं रेसिपीज आपके साथ में शेयर करूँगा। इन द मीन टाइम आप ये दोनों ट्राई करें एंड प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज वॉच माई वीडियोज, देयर आर रिसोर्स, वॉच करें, उनसे देखें, उनसे सीखें आप कुछ। खुदा हाफिज़।